आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव्विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन में सच में वो ईमानदारी से काम करने का साधन जहां आपको सच में किसी की आवश्यकता थी। अरे सीधे और सरल शब्दों में कहें तो तुम्हारे सच्चे प्यार में पूरी सच्चाई के साथ खड़े होने वाला इंतजाम है ना। तो आज मैं बात कर रहा हूं नवरात्रि के सप्तम दिवस पर, बात हो रही है सप्तमी की। माता का अद्भुत रूप होता है आज। कालरात्रि देवी की पूजा होती है आज के दिन, और कालरात्रि भगवती का वो स्वरूप है जो सारे के सारे संकटों का विनाश करने का काम करती है। ये उस स्त्री को रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हो आप, उस स्त्री को रिप्रेजेंट करती है जो पूरे की पूरी परिवार की दुख को तकलीफ को अपने ऊपर लेकर के सब कुछ झेलने वाली, सब कुछ अपने ऊपर ले लेने वाली उस स्त्री का रिप्रेजेंटेटिव माध्यम है ये, जो सारी की सारी जगत से लड़ करके जूझ कर अपने परिवार को और अपने बच्चों का सुरक्षण करती हो। कालरात्रि नवरात्रि का बेसिकली सप्तम दिवस है, लेकिन ये इतना कंप्लीट और इतना संपूर्णता का नाम है। यहां वो सब कुछ मिल जाता है जिसके लिए लोग जन्मों तक तपस्या करते हैं। अगर साधना दिवस कहा जाए तो बुरी बात नहीं होगी। अगर आज के दिन को ये कहा जाए कि आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नवरात्रि का सबसे स्पेशल डे है अगर कहा जाए तो ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। कालरात्रि किसी भी प्रकार के प्रपंच को समाप्त करने के लिए जानी जाती है। अगर आपका कोई पीठ पीछे नाम खराब कर रहा है तो आज का दिन आपका है। अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है, किसी गैर व्यक्ति की वजह से आपकी लाइफ खराब हो रही है तो आज का दिन आपका है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से सब खत्म हो रहा है तो आज का दिन आपका है। किसी भी प्रकार से आपके रिश्ते में तंत्र मंत्र यंत्र किया गया है तो आज का दिन आपका है। किसी के बहकावे में आकर के अगर आपका अपना साथी आपका साथ छोड़ रहा है तो आज का दिन आपका है। शत्रुता बिना मतलब के बढ़ती हो तो समझ जाना कि आज का दिन तुम्हारा है। कल सप्तम काल रात्रि च बोलते हैं इसे। कालरात्रि महारात्रि है। कालरात्रि महारात्रि घोर रात्रि समस्तता, ये ऐसी साधना का नाम है जहां पर तांत्रिक लोग अपनी शक्तियां बढ़ा लिया करते हैं। तांत्रिक मांत्रिक और यांत्रिक तीनों के तीनों लोगों को एक साथ अगर देखना हो तो कालरात्रि में देखा जा सकता है। कालरात्रि वो देवी है जिनकी साधना करके लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। दस महाविद्या में सर्वोच्च स्थान अगर किसी का है तो कालरात्रि का है। कालरात्रि यद्यपि दस महाविद्या के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन साधना में कालरात्रि के बगैर दस महाविद्या साधना संपूर्ण की नहीं जा सकती, ये निश्चित तौर पर सच में कहा जा सकता है। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र करने के लिए और तंत्र मंत्र समाप्त करने के लिए ये दिन है। बुराई समाप्त करने का ये दिन है। अपनी गलतियों को अपने पाप को समन करने का ये दिन है। अपनी बुराइयों को और अपनी खराब आदतों को नष्ट करने का ये दिन है। हमसे बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे कि अगर मन चंचल हो, कुछ बुरे कर्म हो गए हो, कार्मिक अकाउंट खराब हो गया हो तो कौन सा ऐसा साधन है। तो भैया आज वो साधन है। काल रात्रि का जो दिन है ना, ये सबसे सर्वोच्च साधना का दिवस है। आज के दिन मैं आपको ऐसी सरल साधना बताने वाला हूं, कुछ ऐसी उपासना, कोई ऐसा विधान, कोई ऐसी परंपरा बताने वाला हूं जिससे आपका अपना जीवन पूरी तरह से ठीक हो जाए। मैं बात कर रहा हूं आपके अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अगर उतार चढ़ाव चल रहा है, अगर आपके रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की वजह से चीजें खराब हो रही हैं, अगर आपके रिश्ते में कोई व्यक्ति कान फूंक रहा है, तो
इस व्यवस्था से सब चीजें ठीक हो सकती हैं। प्रायः देखा गया है जिन लोगों की कुंडली में शनि मंगल और बुध और बृहस्पति या बुध और मंगल, चंद्रमा और शनि एक साथ बैठा हो, उन लोगों की कुंडली में ऐसी अव्यवस्थाएं सामने आती हैं। दूसरे लोगों की वजह से सब कुछ खराब होता है, दूसरों की बात मानने की वजह से, दूसरों के कारण की वजह से, दूसरों के बहकावे की वजह से, दूसरों के कहने की वजह से और बहुत सारी चीजें किसी अनदर की वजह से सब खराब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, क्रोध समाप्त करने का दिवस है ये। क्रोध समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन है कालरात्रि। आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर क्रोध है तो आज का दिन आपका है, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्रोध आपको ये कहता है कि मैं आपका सबसे बड़ा शत्रु हूं। क्योंकि क्रोध ही वो शत्रु है जो आपके पूरे के पूरे साम्राज्य को जलाकर खाक कर सकता है। क्रोध के लिए जद्द करना कुछ खास नहीं होता। अगर आप पुराणों की बात समझे, कहानियों की बात समझे, तो क्रोध में सिर्फ करना आपको इतना ही है कि आप अपने आप को ये बोलने की आदत डालें कि हम जो आज करने वाले हैं वो हम कल करेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको सिर्फ इतनी सी बात समझ लेनी है कि हमें अगर अभी क्रोध आ रहा है तो ये क्रोध हम कल करेंगे। सिर्फ इतनी सी आदत से आपका क्रोध समाप्त हो सकता है पूरी तरह से। ऐसे बड़े कारण है, बहुत सारे तरीके। काल रात्रि में ये क्रोध समाप्त करने की भी विधा है। और हर एक बाधाओं को समाप्त करने का दिवस है। हर बाधा दूर करने का सीधा साधन है काल रात्रि। तो चलो जल्दी से नोट कर लीजिए कि काल रात्रि में ऐसा क्या करें जिससे आपकी इस प्रकार की आपदाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाए। काल रात्रि में ऐसा क्या करें जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। काल रात्रि में भगवती को काजल चढ़ाने से आपकी सारी व्यवस्थाएं समाप्त होती हैं। काल रात्रि में व्हाइट पेपर पे काजल से अपनी समस्या लिख करके भगवती के चरणों में रख करके अंतिम दिन हवन में डालने से सब कुछ ठीक हो जाया करता है। काल रात्रि के दिन से काजल लगाना शुरू कर दे, अगर भोग लगा के काजल का भोग लगाएं, माता को चढ़ाएं और फिर उस काजल को नित्य लगाने की कोशिश करें, तो आपके जीवन से ऐसी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। काल रात्रि की पूजन में अगर आप कमलगट्टा घी में रंग करके चढ़ाते हो तो ऐसी व्यवस्थाओं से आपको मुक्ति मिलती है। एक काले कपड़े में काली हल्दी, कमलगट्टे और खड़ी धनिया बांध करके भगवती के चरणों में रखने और नवरात्रि के बाद जब भी आपको समय मिले तो कहीं भी सुनसान जगह पे पेड़ के पास रखवा दीजिए। ऐसा करने से, ऐसी व्यवस्थाओं से आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हो। तो भगवती की कृपा आप पर बने और आप बहुत प्रसन्न रहें, बहुत आनंदित रहें, हर तरफ से आपके जीवन में खुशियां आए, ऐसी शुभकामना करता हूं। जय माता दी। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।